क्योंकि ये तीनों कलर दिखाई दे रहे होंगे, तो इसमें तीन ही कलर आते हैं और तीनों हमारे पास अवेलेबल हैं। ये बैंगल। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मम्मी गार्डन चैनल। और आज हम एक वीडियो बनाने वाले हैं जो कि हमारे टेरेस गार्डन पे एक प्लांट अवेलेबल है, मैक्सिकन पुटोनिया। उसकी जितने भी कलर के फूल आते हैं उन सब के बारे में हम बातें करेंगे, और वो प्लांट कैसे प्रोपेगेट होता है, क्या उसके अंदर हमें सावधानियाँ रखनी है। और अब यदि आपने नई शुरुआत की है, नया गार्डन लगाया है, तो आपके लिए तो बहुत ही बढ़िया ये प्लांट होने वाला है। बहुत ही हार्डी ये प्लांट है। तो चलो अब हम प्लांट के ऊपर आ जाते हैं। प्लांट को देखने से पहले मैं आपको गार्डन की कुछ अपडेट्स दिखा देता हूँ। देखो कितना हमारा गार्डन अब हरा भरा हो चुका है। और अभी कुछ दिनों से हमारी रेगुलर वीडियोस नहीं आ रही थी। बहुत दिनों से मैं सोच रहा हूँ रेगुलर वीडियोस डालने की, लेकिन हम डाल ही नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए अब हमने वीडियोज़ बनाना दोबारा शुरू किया है, और हम काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट लेके आने वाले हैं नए, जिससे कि हम आपको और लोगों के भी गार्डन दिखा सके। यदि आपको भी अपना गार्डन, यदि आप भी राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो हम शुरुआत करेंगे जयपुर से, जो हमारे आसपास का एरिया है जयपुर। तो यदि आप वीडियो देख रहे हैं और यदि आप भी हैं राजस्थान से, राजस्थान में यदि आप जयपुर से हैं, दौसा से हैं, सवाई माधोपुर से हैं, करौली से हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी लिख दूंगा, या फिर आपको और एक कॉन्टैक्ट नंबर आपको मैं लिख दूंगा, तो आप वहाँ पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हम आपके गार्डन को शूट करेंगे, वहाँ आएंगे, आपसे बात करेंगे, और आपके गार्डन को हमारे चैनल के ऊपर लेके आने वाले हैं। तो अभी हम जिसके ऊपर हम आज वीडियो बनाने हैं वो है मैक्सिकन पुटोनिया। तो आपको देखो पुटोनिया के ये तीनों कलर दिखाई दे रहे होंगे, तो इसमें तीन ही कलर आते हैं और तीनों हमारे पास अवेलेबल हैं। ये बैंगनी कलर का है, तो ये हमारे पास पिंक कलर का है, और ये हमारे पास में है वाइट कलर का। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, मुझे बहुत अच्छा ये प्लांट लगता है। सब प्लांट को वाइल्ड पुटोनिया भी कहते हैं, क्योंकि ये जंगलों का पौधा है और इसमें बहुत सारे फूल लगते हैं एक ही बार में। इसको फूलों की फैक्ट्री भी कहा जाता है, और इस प्लांट को रुएलिया भी कहा जाता है। और देसी भाषा में बहुत सारे इनके नाम हो सकते हैं, लेकिन जो फेमस नाम है वो ये है, और वो हर जगह आपके द्वारा सुने जा सकते हैं। अगर बात करें इस प्लांट के ओरिजिन्स की, तो ये प्लांट का जो ओरिजिन है वो मैक्सिको है, इसीलिए इसको मैक्सिकन पुटोनिया कहा जाता है। और मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जिसको पुटोनिया नॉर्मली कहते हैं, जो सर्दी का पौधा है, वो ये नहीं है। ये बारहमासी वाला प्लांट है, और इसके अंदर गर्मियों में भरपूर फूल खिलते हैं। ये मेन तो इसका जो टाइम है वो फरवरी से लेकर नवंबर तक का है, लेकिन यदि आप जैसे गर्मी वाले मौसम में रहते हैं, गर्मी वाली जगह पर रहते हैं, तो आपके 12 महीने इसके अंदर फूल खिलने वाले हैं। और जो पुटोनिया, जो रेगुलर पुटोनिया होता है, वो सर्दी का फूल आता है उसके अंदर, और सर्दी के टाइम पे ही वो खिलता है, और वो सर्दी का पौधा है, ये वो बिल्कुल नहीं है, इसलिए उसको मिक्स ना करें आप। अगर हम इसकी सॉइल की बात करें, तो बहुत नॉर्मल सॉइल चाहिए। जो भी सॉइल आप यूज करते हैं, आप उसी सॉइल में इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेशल सॉइल आपको बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और यदि अगर आप फिर भी सोचते हैं कि हम क्या बनाएं, तो जो हम बनाते हैं नॉर्मल, कि एक भाग हम सॉइल ले लेते हैं, एक भाग हम कोकोपीट ले लेते हैं, एक भाग हम खाद ले लेते हैं, तो मैं तो तीन यही लेते हैं, और थोड़ा बहुत हम इसके अंदर सैंड डाल देते हैं, जो बजरी जिसे कहते हैं। लेकिन यदि आप इसके अंदर कुछ भी कम ज़्यादा करना चाहें, तो आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर मैं आपके प्रोपेगेशन की इसकी बात करूँ, तो यदि आपने एक बार इस प्लांट को लगा दिया, तो ये आराम से देखो साइड से उग जाता है, जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये ऐसे ही देखो ये साइड से उग गया, और ये इसका मेन प्लांट है, और ये मैन के पास में देखो कितनी सारी ये अलग से बन गई है। इस प्लांट को धूप बहुत ही पसंद है, और इसको यदि हम आउटडोर में रखेंगे, तो इसमें काफ़ी सारे फूल खिलते रहेंगे। इसका जो फूल है वो एक ही दिन चलता है, मतलब आपका सुबह खिलेगा और दोपहर तक, शाम तक ये पूरा फूल ख़राब हो जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनके फूल सुबह खिलते हैं और शाम तक चले जाते हैं, लेकिन फूल इतनी क्वान्टिटी में खिलते हैं ना कि ये बहुत ही सुंदर लगता है। यदि मैं बात करूं, तो दो तीन तरीके से इसको हम प्रोपेगेट कर सकते हैं। जैसे कि ये इसकी डाल है, तो इसकी डाल को यदि हमने यहाँ से तोड़ लिया, और तोड़ने के बाद में हम इसको हम कहीं पे भी लगा देते हैं नॉर्मली, वैसे ही घुसेड़ देते हैं, तो भी ये आराम से लग जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इस प्लांट पर मैंने जो दिक्कत देखी है मेरे यहाँ पर, वो है मिली बग्स की। जो मिली बग्स इस पर काफ़ी बार लग जाते हैं, और तो मिलीबग्स जब लग जाते हैं, तो इसमें रेगुलर नीम ऑयल वगैरह का भी छिड़काव करते रहें। और अभी मैंने मिलीबग्स का एक बहुत अच्छा तोड़ निकाला है, एक मेरे पास एक मैं पाउडर लेके आया हूँ, उस पाउडर का मैं आपको सॉल्यूशन का नाम बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कि वो क्या नाम है उसका, या फिर मैं हो सकता है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँ। तो उससे पूरे मिलीबग्स एक बार में ख़त्म हो गए इसके, नहीं तो ये पूरा का पूरा हमारा प्लांट ख़राब हो चुका था। तो यदि बहुत से लोगों को मिलीबग्स की प्रॉब्लम है, और वो मिलीबग्स जा ही नहीं रहे, वो सफ़ेद सफ़ेद जो फफूंद सी पड़ जाती है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल ही दूंगा।
और हो सकता है तो मैं स्क्रीन पे भी उसका नाम डाल दूंगा, तो उसको डालने से, उसको थोड़ी सी मात्रा का छिड़काव करने से सारे के सारे मिलीवक्स चले जाते हैं। तो ये मुझे एक पर्सनल अपना एक्सपीरियंस वाली जो चीज़ है वो लगी, तो मैं आपको इसको ज़रूर शेयर करूँगा। तो दोस्तों मैक्सिकन पोटोनिया के लिए बस इतना ही, बहुत सिंपल ग्रो करना है इसको। और यदि आपने अभी अभी अपने गार्डन की शुरुआत की है तो इसको ज़रूर लगाइए। और यदि आप अपना कोई नॉर्मल गार्डन है, आपका मिट्टी का जो गार्डन है, और यदि आप उसमें साइड के अंदर यदि आप कुछ बनाना चाहते हैं, मतलब एक साथ बहुत सारे प्लांट उगाना चाहते हैं साइड में, तो उसमें आप ये वाला प्लांट आराम से उगा सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि आपको हमारे वीडियो इसी तरीके से पसंद आ रहे हैं तो मम्मी गार्डन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।